हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और दोपहर के बजे हैं 12:30 और आज तो हमारा काम थोड़ा जल्दी ही फिनिश हो गया घर का, तो आज हमने 11 बजे लंच कर लिया और अब हम फ्री हैं थोड़ा सा। मुझे कहीं कुछ काम है, बाहर जाना है, तो आज मैं वहाँ जाऊँगी। और सानू और समीर घर पर हैं क्योंकि आज छुट्टी है स्कूल की, तो समीर तो ट्यूशन गया है और सानू ये कुछ कर रहा है इधर। क्या कर रहा है सानू? हेलो तो बोल दे, एक बार और बोल दे हेलो। फ्रेंड्स, मुझे अभी कुछ काम से बाहर जाना है, तो कुछ सामान है जो मैं देख कर आई थी और उसे फिर लेकर नहीं आई, तो अभी देखते हैं। वहाँ जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम क्या लेने जा रहे हैं। नहीं सानू, सानू जिद कर रहा जाने की, लेकिन नहीं, एग्ज़ाम है उसके परसों से, तो उसे अभी पढ़ाई करनी है। तो समीर और सानू और इसके दादाजी घर पर रहेंगे और हम जा रहे हैं। और बादल गरज रहे हैं, आवाज़ आ रही है बादल गरजने की, और धूप भी निकल रही है, पता नहीं चल रहा कि बारिश आएगी या नहीं। तो हम अभी स्कूटी पर ही जा रहे हैं क्योंकि मौसम ऐसा लग नहीं रहा है बारिश वाला। नहीं, सानू जिद कर रहा है जाने की, उसे मैं लेकर नहीं जा रही, क्या पता रास्ते में बारिश हो गई तो फिर हम भीग सकते हैं ना वहाँ। गाड़ी से नहीं जा रहे ना, हम स्कूटी से जाएंगे। नहीं, भैया जी के साथ रहना घर। ये सानू इधर रो रहा है, जाने के लिए जिद कर रहा है। ले चॉकलेट लेके आ, जल्दी देती हूँ मैं। चाहिए नहीं चॉकलेट? फिर आप कहाँ जा रही हो? मैं अभी आ रही हूँ, किसी काम से जा रही हूँ। मैं मेरे को दे दो चॉकलेट। लेके आओ निकाल कर फ्रिज में से, लाओ चॉकलेट आपस में बांट लो। फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं, तो हमारे हस्बैंड ने स्कूटी बाहर निकाल ली है, तो चलते हैं। टॉमी, घर का ध्यान रखना। इस वाले रोड से कावड़िया आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं जहाँ हम आ रहे थे स्टोर में। तो यहाँ पर बहुत सारा सामान मिलता है घर का, तो हमें कुछ सामान चाहिए था, तो हम वो देखने आए हैं। मैं पहले आई थी तो यहाँ पर मैंने देखा था, तो अभी हम देख रहे हैं। और काफ़ी बड़ा स्टोर है, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है। आप घर का यहाँ पर कुछ भी खरीद सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर वो चीज़ देख लेती हूँ है या नहीं, क्योंकि मैं पहले जो देख के गई थी वो मुझे मिल नहीं रही है वो मशीन, तो अभी देखते हैं वो मिलेगी या नहीं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टोर है यहाँ पर, आप घर का सारा सामान ले सकते हैं, सब कुछ मिलता है इस स्टोर में। तो मैं पहले जब आई थी तो कुछ सामान घर का लेकर गई थी, और एक चीज़ थी जो मैं पसंद करके गई थी बट लेके नहीं गई थी, और आज मैं उसे देखने आई हूँ कि वो मिलेगी तो वो उसे लेके जाऊँगी। वो वाली मशीन यहाँ है या वो सेल हो गई है? तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक हमें डिश वॉशर मिल गई है, लेकिन ये वो वाली नहीं है जो मैं पहले पसंद करके गई थी। ये छोटा साइज़ है और कंपनी भी वो नहीं है, ये कंपनी भी दूसरी है, तो इसलिए हो सकता है इसको हम नहीं लें। तो भैया बोल रहे हैं कि 2-4 दिन बाद आना, शायद मिल जाए, तो देखते हैं फिर अब क्या करें। जो चीज़ हम लेने आए थे वो उस कंपनी की नहीं मिली अभी, और वो दूसरी ही कंपनी की मिल रही है, तो हो सकता है अभी हम नहीं लें उनसे। हमने भैया से कह दिया है कि वो मंगवा लें, तो एक है लेकिन वो थोड़ा सा पता नहीं वो उसमें क्या दिक्कत है, तो वो वाली नहीं दे रहे वो, और आगे वो मंगाएंगे जब हम आएंगे 2-4 दिन में उसे लेने। अभी हम देख के ही जा रहे हैं। बैटरी वाला नहीं है पंखा? अच्छा, तो यहाँ हम आए, हमें जो हम लेने आए हमें कुछ मिला ही नहीं है आके, और अब हम घर जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम लेने आए वो मिला नहीं, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अच्छा सामान है और चीज़ों का, समझ कर ये भी ले लो ये भी ले लो, बट जो हम लेने आए वो तो यहाँ मिला नहीं हमें। तो अब हम जा रहे हैं घर, और जो चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं वो ऑलरेडी हमारे घर पर हैं, तो वो लेने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए हम घर जा रहे हैं अब।
आ चुके हैं हम घर, चलते हैं अंदर। अस्सलाम पापा जी, आसी आ चुकी है स्कूल से और खाना खा रही है। इधर चल रही है पढ़ाई समीर की। फ्रेंड्स, बाहर तो इतनी गर्मी हो रही थी और मौसम इतना मतलब क्लाउडी था जब हम यहाँ से गए थे कि बारिश होगी। रास्ते में थोड़ी सी बारिश हुई लेकिन और गर्मी हो गई उसके बाद में। और अब हम घर आ गए और जो हम सामान लेने गए थे वहाँ देखा हमने तो वो सामान हमें मिला ही नहीं। तो भैया बोले नेक्स्ट टाइम आना तब मिल जाएगा वो, तो अब पता नहीं कब जाना होगा या लाएंगे या नहीं, कुछ पता नहीं है उसका। मैं बहुत खुश होने गई थी वो सामान देखने। हिसाब लेने क्या गई थी? डिश वॉशर लेने गई थी। ओ भाई, वही मैं सोच रहा था जैसे जाएगी ना गाइस, चेहरे पे खुशी अलग दिख रही थी। जो वहाँ मुझे जो चीज़ें और स्टोर इतना बड़ा था, जो और सामान था उसमें जो मुझे पसंद आ रहा था ना, वो सारी चीज़ें मेरे घर पर है ऑलरेडी। फ्रेंड्स, वहाँ से आके मैं थोड़ी देर सो गई थी और बाहर बारिश आ रही है, देख सकते हैं। बाहर देख सकते हैं बारिश हो रही है और आसी खड़ी है, वेट कर रही है आसी कि थोड़ी कम हो जाए बारिश तो ये तो सुन जाएगी। और अब शाम के 4:30 बज गए और सामने जब सो रहा है और मुझे कह रहा है कि आप ना मोबाइल से एडिटिंग करते हो तो आप ना लैपटॉप से सीखो एडिटिंग करना। और वो मुझे आ नहीं रहा है लैपटॉप से क्योंकि मैंने कभी की नहीं है इससे, मैं मोबाइल से एडिटिंग करती हूँ। तो एक दो बार इससे करूँगी तभी आएगा। तो समीर मुझे एडिटिंग सिखा रहा है इसमें लैपटॉप में कैसे करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टूडियो समझ लो, है ना, ये सेटअप है हमारा यहाँ। और मैं मोबाइल से ही करती हूँ कि मुझे अभी इससे आते नहीं है और इससे सीखूंगी तभी से क्या करूँगी लैपटॉप से। खाने की टेंशन है, शाम को क्या बनाना है खाने में, वो हर लेडीज़ को होती है जो वो टेंशन है, जो सुबह की सोचते हैं क्या बनाना है और शाम की सोचते हैं क्या बनाना है, तो वही टेंशन मेरे दिमाग में चल रही है कि शाम को क्या बनाना है। और अभी तो बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और सफाई भी थोड़ी करनी है। ये बारिश थोड़ी बंद हो जाए तो उसके बाद सफाई करेंगे क्योंकि बाहर जब बारिश होती है थोड़ी मिट्टी सी हो जाती है बारिश से ना। तो अभी मुझे बाहर सफाई करनी है, उसके बाद फिर मुझे खाना बनाना है। आप जो ये वाला व्लॉग देख रहे होगे ये अपलोड हो चुका है लेकिन मैं इसी पे ही मम्मा जी को एडिटिंग करना सिखा रहा हूँ। तो चलिए अब देखते हैं। और गाइज, मैंने अभी मम्मा जी को ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं था। मम्मा जी तो मतलब ऐसे कर रही हैं जैसे मम्मा जी सब कुछ सीख ही गई हैं, सारे जो भी करना होता है मम्मा जी सब कुछ कर पा रही हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं सिखा रहा हूँ मम्मा जी को। फ्रेंड्स, बाहर आई हूँ तो देखा बारिश कम हो गई लेकिन आ रही है, उतनी नहीं आ रही, रिमझिम आ रही है। फ्रेंड्स, छोटा सा कछुआ बाहर आ गया जंगल से और आप देख सकते हैं इनने अंदर कर रखा अपने फेस को। ए बाहर निकाल मुँह। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो कछुआ यहाँ पे देखा हमारे घर के सामने आ गया, ये सामने जंगल है और जंगल से यहाँ आ गया हमारे रोड पर। तो अब इसे हम थोड़ा आगे जंगल में छोड़ देंगे क्योंकि ये रोड चलता है, गाड़ी चलती है तो कहीं से गाड़ी इसके ऊपर ना चढ़ जाए, इसलिए इसे हम ना अब इधर जंगल में छोड़ देंगे, थोड़ा आगे तक छोड़ देते हैं, इसलिए चला जाए अपने घर। घर तो है इसका यहाँ, पता नहीं कितने साल समझ गया है ये जंगल आ चुका है तो ये अपने आप निकलने की कोशिश कर रहा है। वीडियो बना दे, अभी अपने घर जा रहा है। अब हमने इसे छोड़ दिया है क्योंकि जंगल की चीज़ है, इसे घर में नहीं रख सकते। तो अभी अंदर चला गया जंगल में और अब हम चलते अपने घर। चलो आज आपको मैंने दिखाया कि आज हमारे घर के पास कछुआ आ गया था सामने जंगल से और फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि मतलब हमारे यहाँ जो कछुआ जंगल से बाहर आया फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि हम इतने साल हो गए रहते हुए हमने कभी यहाँ पर कछुआ बाहर नहीं देखा और आज फर्स्ट टाइम देखा है। तो आज हमने उसे जंगल में वापस छोड़ दिया और आ गए हैं घर।
और अब बजे हैं शाम के 7, तो अब हम करेंगे घर का काम, मतलब खाना बनाऊंगी। तो खाने बनाऊंगी मैं आलू की सब्जी और पूड़ी और रायता। सो गाइस, अब मैं दादाजी को खाना देने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, रात के बजे हैं 8:30 और डिनर हो चुका है, खाना पीना सब हो गया। फ्रेंड्स, रात के 8:30 बज चुके हैं और डिनर हो चुका है। सुबह की स्कूल की तैयारी कर दी है बच्चों की, मतलब ड्रेस वगैरह प्रेस कर दी है और ये बैलून सेट कर रहे हैं दोनों सामू समी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।